शहर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में पहुंचे शहर विधायक और महापौर ने जागरूकता की शपथ दिलाकर झाड़ू लेकर सफाई किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दुर्ग में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। हमारा दुर्ग स्वच्छ बनाना है। हमारा दुर्ग हमारा दुर्ग आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसमें गजेंद्र यादव शामिल हुए और आमजन को शपथ दिलाई। गौरतलब है कि इस दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़ा हेतु स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हर गली मोहल्ले तक पहुँचने वाले रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं को मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरह पढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के सभी मंडलों में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम किया गया। वहीं दुर्ग निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना हम सभी नागरिक का कर्तव्य है, इसकी विधायक गजेंद्र यादव ने आमजन को शपथ दिलाकर भूमिका अदा की और हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, स्वच्छता कर्मियों के साथ छायादार पौधों का रोपण किया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।